हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ इस सीट के बारे में बात किया था, यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रिजल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं किसी भी क्लास का अपने स्टूडेंट का, ओके। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे फिल्टर यूज करते हैं, आप यानी कि जो एक्सेल सीट होती है आप उसमें कैसे अपने फिल्टर को लगा करके आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आप सॉर्ट कर लेते हैं, आप लिमिटेड डाटा जो भी आपको चाहिए होता है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, बड़ी बड़ी सीटों में कोई भी डेटा को सॉर्ट करना होता है, फिल्टर करना होता है, तो आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में फिल्टर के बारे में बात करेंगे आपके साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हमने भिन्न भिन्न तरीके से आपके साथ वीडियो डिस्कस किए हुए हैं एक्सेल से संबंधित, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कंप्यूटर नॉलेज में भी जाके देख सकते हैं, ओके, प्ले लिस्ट में, ओके फ्रेंड्स। हमने इस सीट के बारे में आपके साथ बात किया था कि आप इस सीट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिल्टर की, तो यानी कि फिल्टर का मतलब होता है कि आपको जैसे ये ए चीज है, ठीक है, तो ए को सॉर्ट करना है, आपको ए सिर्फ सॉर्ट करना है या किसी नंबर को सॉर्ट करना है, तो आपको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर जाएंगे, जब आप एक्सेल सीट खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ए टू जेड लिखा होता है और नीचे लिखा होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मान लीजिए यहाँ पे आपको तीन जगह पे आपको फिल्टर यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे लगाइए फिल्टर, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए फिल्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे ये चीजें हैं, तो ये चीजें यहाँ पे फिल्टर नहीं लग रही हैं, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो नेम में फिल्टर लग गया और आपके साइंस सब्जेक्ट में फिल्टर लग गया और इन सब चीजों में फिल्टर लग गया, ओके। अब मान लीजिए आपको यूज करना है कि फिल्टर का यूज कैसे होता है, जैसे जहां पे भी सीट में इस प्रकार से लगा रहता है वहां पे उस सीट में फिल्टर लगा रहता है, आप फिल्टर लग चुका है, ठीक है। दोबारा आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। अब फिल्टर का यूज देखिए, मान लीजिए कोई नेम आपको ए सिर्फ नेम आपकी लिस्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी फिल्टर वाली जो आइकॉन बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे हटा देंगे सबको, ठीक है, और सिर्फ ए पे क्लिक कर देंगे, ए पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास जो सीट में जो सिर्फ एक ही लोग होंगे ना, सिर्फ वही लोग बचेंगे, बाकी सब के सब हाइड हो जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि सारे के सारे ए लोग बचे हुए हैं, यानी कि जो ए स्टूडेंट थे वो बचे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने ए स्टूडेंट न सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जाइए उसी पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आप सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो सब आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कोई नंबर चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जैसे नंबर है ऑप्टेन नंबर में, या कह सकते हैं कि आपको परसेंटेज में कि आपको कोई पास उत्तीर्ण यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन देना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि 70% वालों को मैं फर्स्ट डिवीजन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप 70% सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 70 वाले को, ठीक है। 70 वाले को सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करेंगे ना, तो आप सिर्फ 70% वाले ही बच्चे बचेंगे, उसके बाद आपके बच्चे जो है वो सारे हाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कलर कोड कर सकते हैं, ठीक है। कलर कोड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जाके ये क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपके साथ और भी डिटेल में बात करेंगे। कलर कोडिंग अगर आपके पास 70% है तो ऑटोमेटिक कलर कैसे सेल में ऐड करते हैं वो भी हम आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि आप कैसे, अगर मान लीजिए 70% है तो कलर कोडिंग हो जाएगा 70% से ऊपर कलर, ग्रीन कलर कोडिंग या येलो कलर कोडिंग, ठीक है, वो हम आपके साथ बताएंगे कि एडवांस में कैसे यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 70% नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 66%, ठीक है, तो 66% पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे 66% वाला हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे करिए क्या, यहाँ पे करिए रेड, ठीक है। उसके बाद आप करिए यहाँ पे क्लिक करिए और सिलेक्ट ऑल पे इसको अनहाइड अनसिलेक्ट करिए, आप यहाँ पे 68 वाले पे क्लिक करिए और इसको करिए क्या, येलो, ठीक है, येलो कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको येलो करिए, ठीक है, कलर पे जाके येलो कर दीजिए, ओके। अब आप जैसे इस पे सिलेक्ट ऑल पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी सीट दिखने लगेगी, देख रहे हैं आप, 66 वाला ये रेड हो गया, 68 वाला येलो है और 70% वाले ग्रीन हो गए। आप इस प्रकार से फिल्टर लगा के आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वहां पे।
आप भिन्न भिन्न तरीके के जो है वो आप यहाँ पे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के आप यहाँ पे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से फिल्टर यूज कर सकते हैं आप अपनी सीट पे। फिल्टर लगाना बिल्कुल आसान है, आप फिल्टर पे जाके यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा और उसी पे क्लिक करेंगे फिल्टर भी हटाएंगे तो आपका फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।